नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्पीडी ट्रायल ने पकड़ा स्पीड। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए आज से चॉइस फिलिंग शुरू। त्योहारों से पहले ही आसमान छू रहा है फ्लाइट का किराया। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के इस जिले को मिला दूसरा स्थान। पहली बार हुआ ऐसा। निकाय चुनाव से पहले एक साथ 36,000 कर्मियों का तबादला। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबर की ओर विस्तार से। बिहार में स्पीडी ट्रायल ने पकड़ा स्पीड। बिहार पुलिस अपराधियों को जल्द से जल्द दंडित कराने के लिए त्वरित विचारण में तेजी लाएगी। इसे लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शराबबंदी कानून के तहत 19,348 दोषी सिद्ध हुए हैं। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की सजा की दर में करीब 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस बात की जानकारी ADGP मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। वर्ष 2022 में जनवरी से जुलाई तक 25,304 अपराधी दोषी सिद्ध कराए जा चुके हैं। वर्ष के अंत तक 43,378 को दोषी सिद्ध होने का अनुमान है। इन अंचलों में कैंप लगाकर म्यूटेशन के मामलों का किया जाएगा निष्पादन। बिहार में जमीन से जुड़े दाखिल खारिज का मामला सबसे अधिक आता है। उसमें भी राज्य भर में सबसे अधिक दाखिल खारिज के लंबित आवेदन भागलपुर और बांका जिले के 3 अंचलों में है। आपको बताते चले कि बीते दिन प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे ने राजस्व विभाग से संबंधित मासिक समीक्षा की, जिसमें पाया गया है कि भागलपुर जिले में ऑनलाइन दाखिल खारिज के कुल 276,072 आवेदनों के विरुद्ध 746,769 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। वहीं बांका जिले की बात करें तो दाखिल खारिज के कुल 195,349 आवेदनों के विरुद्ध 187,482 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। भागलपुर जिले के कहलगांव अंचल में 4,419 और शाहकुंड में 2,384, बांका के रजौन में 1,169 और धौरैया में 1,158 मामले लंबित हैं। हालांकि ऐसे अंचलों में कैंप आयोजित कर ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए आज से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए 10,865,000 सीटों पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि भी जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। वहीं 22 से 25 सितंबर तक स्टूडेंट्स आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के तहत एडमिशन 23 से 25 सितंबर, वहीं सेकेंड राउंड का आवंटन लेटर छात्र को 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक डाउनलोड करना होगा। इस सीटों पर JEE मेन के स्कोरर पर ही एडमिशन लिया जाएगा। त्योहारों से पहले ही आसमान छू रहा है फ्लाइट का किराया। 2 सालों से कोरोना का कहर झेल रहे बिहारवासी इस साल त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। लिहाजा ट्रेन से लेकर फ्लाइट में सभी सीटें अभी से ही बुक हो चुकी हैं। वहीं ट्रेन में रिजर्व टिकट न मिलने से परेशान यात्रियों को फ्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप अब फ्लाइट की टिकटें भी महंगी होनी शुरू हो गई है। एक तो ट्रेन में सीटें फुल, ऊपर से महंगी फ्लाइट की टिकट अफोर्ड नहीं कर पाना एक अलग समस्या हो गई है। बता दें कि दिल्ली से पटना के बीच फ्लाइट टिकट की बात करें तो 22 अक्टूबर को इंडिगो में 15,000 का टिकट है। वहीं मुंबई रूट पर 20,000 के पार टिकट का दाम है। विस्तारा में टिकट की बात करें तो 11,940 रुपये का है। एयर इंडिया के दिल्ली पटना विमान में 12,885 रुपये, जबकि 19 अक्टूबर को दिल्ली से पटना रूट पर 6,500 से 7,500 किराया है। आमतौर पर इस रूट का किराया 5,000 से लेकर 6,000 तक ही होता है, लेकिन त्यौहार आते ही टिकट की महंगाई दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। लेट ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारियों पर कसा जा रहा शिकंजा। 11 बजे लेट नहीं और 4 बजे के बाद भेंट नहीं वाले बिहार सरकार के कर्मचारियों के रवैये पर अब लगाम लगने जा रहा है, क्योंकि लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों पर अब सख्ती होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले ही प्रखंड, जिला, प्रमंडल और मुख्यालय स्तर के सभी ऑफिस के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने समय का पालन करें। लेट ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की पगार काट ली जाएगी। साथ ही अगर कोई कर्मचारी लगातार लेट ऑफिस आएंगे तो संबंधित सक्षम प्राधिकार उनके खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि जारी किए गए दिशा निर्देश में ये बात भी कही गई है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से पहले परमिशन लेकर कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी महीने में अधिकतम 2 दिन लेट ऑफिस आ सकते हैं।
फरार वारंट प्रत्याशियों व समर्थकों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। राज्य में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। इस बीच नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SSP ने विशेष बैठक बुलाकर सभी SP, SSP, DSP समेत जिले के सभी थानाध्यक्षों को नगर निकाय चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान कहा गया है कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र के फरार वारंटियों की सूची तैयार कर लें, ताकि नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले फरार वारंटी प्रत्याशी व समर्थकों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही समर्थकों का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के इस जिले को मिला दूसरा स्थान। कभी देश के पिछड़े जिले में डेल्टा रैंकिंग में 105 स्थान रखने वाला खगड़िया जिला अब कभी पहला तो कभी दूसरा स्थान विकास के मामले में प्राप्त कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले माह डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में खगड़िया दूसरा स्थान पर है। देश के पिछड़े जिले में से एक खगड़िया जिला केंद्र सरकार के प्रयास से तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि खगड़िया बाढ़ प्रभावित जिला है। यहाँ 4 से 5 माह लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर विकास का कार्य जितनी गति से होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही थी। देश के आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद खगड़िया जिला में अब तेजी से विकास हो रहा है। आकांक्षी जिलों में खगड़िया ने देश में पहला स्थान भी हासिल किया था, इस बार डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि खगड़िया जिला राज्य का ऐसा जिला है जिसे डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 23 करोड़ का पुरस्कार मिला है। अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बिहार में आखिरी वक्त में मॉनसून मेहरबान है। सितंबर महीने के आरंभ से ही राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है। मौसम विज्ञानियों की माने तो ये पूरा सितंबर महीना मॉनसून मेहरबान रहने वाला है और राज्य में बारिश होती रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 10 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। वहीं आज भी सुबह राजधानी पटना सहित कई अन्य हिस्सों में बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से वातावरण बिल्कुल ठंडा हो गया है। वहीं किसानों के धान की फसल को भी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा आगामी रबी फसल को होने वाला है। पहली बार हुआ ऐसा, निकाय चुनाव से पहले एक साथ 36,000 कर्मियों का तबादला। नगर निकाय चुनाव की वजह से इस बार बिहार में तबादलों का 70 साल का नया रिकॉर्ड बन गया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान से पूर्व 3 साल या उससे अधिक समय से एक ही वार्ड में जमे 6,000 कर्मियों का एक साथ तबादला किया गया है। बिहार में 2 चरणों में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 अक्टूबर को पहले चरण में और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। हालांकि यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव सभी वार्डों के स्तर पर कराया जाना है। वहीं तबादले का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर से सफाईकर्मी हड़ताल की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अधर में लटका है मगध विश्वविद्यालय के बच्चों का भविष्य। मगध विश्वविद्यालय अपने लेट लतीफ सेशन और आए दिन कर रहे लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। मानो जैसे मगध यूनिवर्सिटी ने छात्रों का जीवन बर्बाद करने का कसम खा लिया हो। अभी तक विश्वविद्यालय के सेशन 1 या 2 साल नहीं बल्कि 3-4 साल लेट चल रहा है और अभी भी इसमें कुछ साफ नहीं है कि छात्रों को 3 साल के स्नातक की डिग्री 6 साल में मिलेगी या 7 साल में। इस बीच अब एक और मामला सामने आया है जहां 2018-21 सेशन वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्रों ने परीक्षा तो दी लेकिन उनके उत्तर पुस्तिका ही गायब हो गए हैं। ऐसे छात्रों की तादाद 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा फल के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में साल 2018-21 सत्र हिंदी पार्ट 2 की परीक्षा अक्टूबर 2021 में सम्पन्न हुई। 1 साल बीतने को है, परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो सका है। आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के छात्र इंतजार में बैठे हैं। बिहार CTPO और PT का रिजल्ट जारी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PT का रिजल्ट सोमवार यानी बीते दिन जारी किया गया। इसमें 883 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 50 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए BPSC द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 1,03,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल 321 अभ्यर्थियों का OMR उत्तर पुस्तिका रद्द कर दिया गया है। भाजपा ने जदयू को दिया एक बार और बड़ा झटका। भाजपा से अलग होने के बाद जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। अब एक बार फिर दमन और दीव में जदयू के जिला पंचायत सदस्य पार्टी का साथ छोड़ भाजपा में चले गए हैं। भाजपा ने इस बारे में ट्वीट कर बताया
बताया कि दमन एवं दीव में जदयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश जदयू की पूरी इकाई आज भाजपा में शामिल हो गई है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में जदयू ने 38 में से 6 सीटें जीती थी, लेकिन उन 6 विधायकों में से एक विधायक को छोड़कर 5 भाजपा में शामिल हो गए। वहीं 25 अगस्त को भी जदयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो भाजपा में शामिल हो गए थे। जदयू नेता ने कहा, और कितनी फजीहत करवाएंगे संजय जायसवाल। बिहार में अपराध और नेताओं के चरित्र पर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब बीजेपी और जदयू राज्य की जनसंख्या एवं प्रजनन दर के मुद्दे पर आमने सामने है। जदयू प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेता पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। दरअसल नीरज कुमार ने सवाल किया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कितनी फजीहत करवाएंगे। दरअसल जायसवाल अपने एक गलत बयान को सही साबित करने के लिए नई नई गलत बयान कर रहे हैं। जब जनसंख्या वृद्धि दर पर उनकी गलत बयानी का पर्दाफाश हो गया है, तो उन्होंने एक बार फिर से जन्म दर का हवाला देकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। नीरज कुमार का दावा है कि संजय जायसवाल का यह बयान भी तथ्यों से अलग और भ्रामक है। रोहित की फिटनेस विराट की आधी भी होती तो उनका मुकाबला डिविलियर्स से होता। रिजवान और बाबर आजम आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 2 पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने दोनों की तुलना रोहित शर्मा से नहीं करने का फैसला किया है। बट ने रोहित की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स के बराबर होंगे यदि उनकी फिटनेस विराट कोहली से आधा भी होगी। यकीनन वह विश्व क्रिकेट के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि रोहित बाबर और रिजवान के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, उनका स्किल सेट अलग है। रोहित की फिटनेस कोहली से आधी भी हो तो उनसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। फिर उनका मैच सिर्फ एबी डिविलियर्स के साथ रह जाता है, इनके बीच में कोई नहीं है। अगर रोहित बहुत फिट होते कोहली की तरह तो पता नहीं क्या कर। देश भर में आए 5,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,369 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 55 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 18 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 54,031 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 36 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम रणधीर प्रताप मौर्य, रंजीत मिश्रा, शैलेश यादव, राजकुमार प्रसाद, कलामुद्दीन अंसारी, मुटु रंगीला, पवन सिंह, कविता कुमारी, रवि कुमार राज, उमेश ऋषिदेव, खुशबू कुमारी, के सिंह और भगवान मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।